देख रहे हैं पल पल। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा राजभवन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। इस अवसर पर एक सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया व बापू के प्रिय भजनों का गायन हुआ। आप देख रहे हैं पल पल, देखें चंडीगढ़ से ये पल पल की विशेष रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत कम दिनों के अंदर भारत को स्वायत्तता का पाठ पढ़ाया, उनके जमाने में जिसमें देश में बहुत तरह की कुरीतियां फैल रही थी, ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री का पद मिला था। विदेशियों के साथ भी उनका संबंध बढ़िया रहते हुए भी भारत वश में रहकर वो किसी के कर्जदार होना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरित क्रांति चलाया और देश की जनता को अपील किया कि आप हम स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के उपज को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम सभी एक होकर भारत में हरित क्रांति लाना और उपज रखना, पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को उत्साहित किया। और उन्होंने हरित क्रांति को देखते हुए देश में जागृति पैदा किया। देश में जागृति पैदा करने के बाद उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, अर्थात किसानों को ललकारा। जय जवान जिसमें 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान को हारनी पड़ी। देश के कुछ लोगों ने, महानुभावों ने शांति का पाठ रखते हुए समझौता के लिए रूस के ताशकंद में उनको रखा गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहां उनकी अकाल मृत्यु हो गई।